कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया। क्या बात है ताई भाई, कुछ उदास लग रही है यहाँ। उदास होने वाली बात ही है साई, वहाँ शादी में सबने बढ़ चढ़ के एक दूसरे का हाथ बटाया, सिवा मेरे मैं कुछ नहीं कर पाई। आप तो जानते हैं सही, मेरी सेहत कुछ ठीक नहीं रहती, यही शिकायत है मुझे मेरी जिंदगी से। ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, अच्छा पति, अच्छा घर और आपकी संगत, पर सेहत नहीं दी अच्छी, इसी कारण से घर के एक दो काम के अलावा ज्यादा कुछ काम कर नहीं पाती हूँ मैं। भाई जक्का, आप इतनी समाज सेवा करती हैं, ये भी इतना धर्म कर्म करते हैं, आप सबको देख के मुझे भी ऐसा लगता है, मेरा भी मन हट करता है कि मैं भी कुछ करूं। थोड़ा पुण्य मैं भी कमाऊं। देखिए ना, कब से मेरी इच्छा है कि मैं ब्राह्मण भोज का आयोजन करूं, 100 ब्राह्मणों को खाना खिलाऊं, लेकिन मुझमें इतनी ताकत नहीं है कि मैं 100 लोगों का खाना बनाऊं। मेरी उम्र के लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, कोई काशी विश्वनाथ चाहता है तो कोई हरिद्वार, लेकिन मुझे तो 2-3 घंटे के सफर में ही थकान होने लगती है। हरिद्वार जाना तो दूर की बात है,
मैं त्र्यंबकेश्वर भी नहीं जा सकती हूँ। कोई व्रत उपवास भी नहीं कर पाती हूँ। ताई भाई, आप एक काम करेंगे क्या? आप 12 पूरण पोली बना सकेंगे? हाँ साई, इतना तो मैं बना ही सकती हूँ। तो फिर घर जाइए और 12 पूरण पोली बनाइए, और दोपहर को जब सूरज ठीक सर पर हो अपने घर का दरवाजा खोलिए और सामने जो भी दिखाई दे उसे पूरण पोली खिलाइएगा। जरूर साई, लेकिन कौन होगा दरवाजे पे? आप ही आएंगे ना? ताई भाई, आप तो साई को जानती ही हैं। बस भरोसा रखिए और उसकी आज्ञा का पालन कीजिए। कारण भी आपको जल्द ही समझ में आएगा। इतने समय बाद आपकी आज्ञा का पालन करने का सौभाग्य मिला है। मैं बहुत उत्साहित हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने सेवा का मौका दिया। चलती हूँ साई। भाई जामा, आप भी ताई भाई के साथ जाइए, लेकिन याद रहे ये काम इन्हें ही करना है। जैसा तुम ठीक समझो। अच्छा साई, अब मुझे भी आज्ञा दीजिए। मुझे भी काम के सिलसिले में बाहर गांव जाना है। बापू साहब, आप थोड़ी देर रुक जाइएगा, उसके बाद चले जाइए। जी साईं, जैसा आप कहें। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।